इंसाफ टीवी, इंसाफ की आवाज। ऑफ द स्ट्रीट्स एंड इनसाइड द हॉस्पिटल्स ऑफ द सिटी दैट इमेजेस लाइक दिस वन हैव कम टू हॉन्ट। अ 16 ईयर ओल्ड टीनेज गर्ल हिट बाय द स्ट्रे शॉट ऑफ अ पेलेट गन एज शी लुक्ड डाउन फ्रॉम हर विंडो एट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। As we are talking, another seriously injured young man has been wheeled out of the operation theatre. Pellets hit him in multiple parts of his body, the chest and eye included. Like the others in the hospital, Mudassir too is only 18. In this patient, one of the pellets has struck the left eye. And the left eye, as we examined during the night period, I was on the duty, we are not having much hopes about his left eye. There is a globe rupture. The second thing is that the same pellets are there in the abdomen. You can see a lot of pellets, and all of them, this is the umbilicus, this is the waist, this is everything is above waist. There is not a single pellet below the waist. So everything is directed on his chest, abdomen and face. The lethal consequences of the pellet gun, ironically said to be a non-lethal crowd control weapon, are now evident. Disturbingly, the most common pellet gun injury has been to the eye. Scores of young men that we meet have been partially or permanently blinded, and depending on the success of the surgery, may or may not ever see again. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने की हिमाकत की है। इंतहा पसंद तबके के लिए ये जो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर रहे हो, बजाय ये करने के आप अगर स्टेट्समैन होते, आपकी अगर बड़ी सोच होती, तो ये सुनहरी मौका था आपका कि कश्मीर का मसला हल करते, कश्मीरियों को उनको हक देते, उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका देते। कश्मीर के ऊपर देखिए, कश्मीर का जो सलूशन है वो कश्मीरियों के हाथ में होना चाहिए। एक नई सोच आनी चाहिए कि कश्मीर को भी आखिर में कश्मीरियों के, जो कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल पड़ी है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट को उनको चलने दें, बजाय ये कि हम उसको मिलिटेंसी में मिलिटेंट्स भेज के जो हमने किया है और उनके ऊपर और तशद्दुद हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस हो वहां से फौज तो हटे हिंदुस्तान से। कि ये जो आप अपना मसल दिखा रहे हो सियालकोट के बॉर्डर पे, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम खौफजदा हो जाएगी और डर जाएगी, गलत फहमी में ना रहो। कश्मीर पे भी बात करेंगे इंडिया से। आप कश्मीर का फैसले के बगैर आप इंडिया से कोई ड्यूरेबल रिलेशन बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब जाएंगे उधर ये मसला को कहीं जाने नहीं लगा। तो इसलिए जो भी आप बात करेंगे और करें पॉलिटिकली, लेकिन कश्मीर बगौर शमशीर वाला नारा नहीं है आपका। आप कहते हैं बात पॉलिटिक, अच्छा मैं तो कहता हूँ मिलिट्री किसी चीज की भी जरूरत। अमेरिका से दुनिया की ताकतवर फौज आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अब बात ही कर।
बटा नीचे लग गया, पीछे वाला बटा।